दादा अगर पानी में गिरा तो टिकेगा? पानी में गिरा? आप तो कमाल आदमी हो। ओ भाई जा रहा है एकदम दारुण। दारुण। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीडी भीम। तो आज का जो प्लान है हमारा वो है गंगा सागर जाने का। गंगा सागर काफ़ी बड़ा तीर्थ कहा जाता है, जिसके बारे में मुझे मैंने सुना तो पहले भी था, बट रिसेंटली इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा पता चली, तो मैंने प्लान किया कि चलते हैं, क्योंकि इतनी बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, ये फिफ्थ टाइम है मेरा, ठीक है, और गंगा सागर नहीं गया यार। तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर करके आएंगे, टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि लोग तो बुढ़ापे में टाइम निकालते हैं, और मुझे तो यार भगवान की कृपा से, मतलब जहाँ से गंगा सागर के लिए जाते हैं काकदीप से ही जाते हैं, तो मैं तो यहीं हूँ, और कितनी बार रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बावजूद अगर मैं वहाँ नहीं जाता हूँ तो मुझे लगता है बाद में मैं शायद रिग्रेट करूँगा, पछताऊँगा। तो प्लान हो गया, और बाइक से जाएंगे तो बाइक से जाने का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ही अमेजिंग हो गया, ऐसा मुझे लगता है, मज़ा आता है। हाँ बाइक रेडी है। आज तो हम लोग लेट हो गए हैं, ठीक है ना, एक्चुअली बातें चलती रही, लेट हो गए हम लोग, तो आज तो प्लान कैंसिल कर रहे हैं, बट कल मेरा आखिरी दिन होगा यहाँ पर, और कोशिश रहेगी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ जाएं और कवर कर लें। तो अभी आप देखने जा रहे हैं कि वहाँ से जो बोट जो जाती है, बोट जो ले जाते हैं यहाँ पर, बोलते हैं वेसल बोलते हैं उसको, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी टाइमिंग हम पता कर लेते हैं। टाइम मिलता है 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे है, 9 बजे है। टाइम दे दिया था 5 बजे, 9 बजे एक था। सुबह 5 बजे था। तो फिर तो फिर बात ही खत्म करते हैं, चलो कल ही आएंगे, बात चाहे 4:30 नहीं, एक बार घूम के आते हैं। चलो घूम लेते हैं। चलो नीचे देख रहे हो फ्रेश फ्रेश नारियल, कल तो मज़ा आ गया, कल इसको मैंने चढ़ाया समीर को, समीर ने बढ़िया डाप तोड़ के लेकर आया, एकदम फ्रेश। फिर से खिलाएंगे आज, फिर से पियेंगे, यस। नहीं आज मैं एक और फल ट्राई करूँगा, मैंने देखा था, ठीक है ना, वो जो रोड साइड पे जो फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, उन लोगों के पास मैंने देखा था, एक वो अजीब सा फल था, मतलब वो नारियल जैसा ही था, काला काला। हाँ काला काला, क्या बोलते हैं उसको, लाल बोलते हैं। ओके ठीक है, वो और देखना है मेरे को, फ्रेश होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, अच्छा होता है। हाँ अगर मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर बाजार से लेके, मतलब मुझे वो चेक करना है क्या आइटम एक्चुअली। तो पहुँच गए हैं जहाँ से गंगा सागर के लिए बोट मिलता है, ये है वो ऑफिस वेस्ट बंगाल टिकट काउंटर, लाइन रहती है यार यहाँ पर, लॉट 8 है, जेटी नंबर 1 है, और भी है। अच्छा और भी है, इधर से जल्दी हो जाता है। अच्छा इधर से जल्दी हो जाता है, लॉट 8 से है। टाइमिंग पूछ रहे थे इनसे, अभी जाएगा जो फर्स्ट फेरी जो गंगा सागर जाती है वो कितने बजे, फर्स्ट 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 वाली 9 बजे जाती है। मैं हूं अभी जेटी नंबर 1, लॉट 8 कहते हैं इसको, ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहां से हमारे को वोट मिलती है, ये जो मेरे पीछे बोट खड़ी है, इस तरीके की बोट होती है जो यहां से मिलती है हमें, तो इस बोट पे हम लोग भी जा सकते हैं, और चाहें तो साथ में आप अपना टू व्हीलर भी ले जा सकते हैं। अगर आपको गंगा सागर जाना है तो काकदीप आइए कोलकाता से, ठीक है, और काकदीप आने का भी रास्ता बहुत ईजी है, आप शियालदा से नामखाना जाने के लिए जो शटल होती है लोकल ट्रेन, वो पकड़िए, काकदीप पर उतरिए, और काकदीप से फिर ये जो आपका है लॉट 8 जेटी नंबर 1, और भी बड़े सारे हैं, 4 नंबर भी, बट हाँ 4 नंबर भी है, बट ये वाला जो होता है इससे इजीली मिल जाती है, तो यहाँ आ सकते हैं, थोड़ा टाइम कम लगता है, 9 रुपया पर पैसेंजर चार्जेस लेते हैं, बाइक भी है अगर आपके साथ तो बाइक का 72 रुपीज़, तो अगर आप अकेले हैं बाइक पर तो 72 + 9 = 81, दो लोग हैं तो 72 + 9 + 9 यानी 90 रुपीज़, तो ये चार्जेस रहते हैं। और देखो लॉरी भी ले जा सकते हैं, टू व्हीलर ही नहीं, आप चाहें तो ट्रक भी ले जा सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो दूर से, देखो ट्रक वो जो घर है वो जो नया लगा है उधर से जाएगा। ओके ट्रक के लिए वहाँ पर है वो पर्टिकुलर एरिया। टाइमिंग हमें पता चल गए, टाइमिंग कंफर्म हो गया, अच्छा हुआ आ गए हम लोग, नहीं तो हम लोगों को तो लग रहा था कि सुबह 5 बजे भी जो बोट है वो जाती है गंगा सागर के लिए, बट टाइमिंग चेंज हो चुकी है, अभी 9:30 बजे है पहली बोट,
तो चलो फ़ायदा हुआ। बाकी वहाँ पर गेट पर लोग भी अच्छे थे, उन्होंने हमारे को वीडियो बनाने के लिए आगे जाने दिया जबकि गेट लॉक हो चुके थे। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ले लिया। अभी कल के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। ओ ये देखो छोटे छोटे बत्तख। इधर भी टिकट काउंटर है। अच्छा ये लॉट 8 है, जेटी नंबर 4। बट ये तो बंद है ना, वही एक ही होने शायद मेरा ख्याल है ना। हाँ नहीं, हाँ चार होता है, ये लास्ट नंबर है। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि चलो फिर वापस दीपांकर के फार्म पर ही चलते हैं, दीपांकर के साथ गपशप करेंगे, ठीक है, और लंच वगैरह करते हैं। बाकी की प्लानिंग तो कल ही करेंगे और आगे शाम का देखते हैं क्या प्लान बनाया है, दीपांकर ने कहाँ ले जाता है। गंगा सागर का तो कैंसिल हो गया भाई आज का। कल होगा गंगा सागर, अब देखते हैं कल भी होगा कि नहीं होगा, ये मुझे अगली बार फिर आना पड़ेगा। 5 बार तो हो चुका भाई, एक बार भी नहीं हुआ गंगा सागर। तो अभी है लंच टाइम और लंच टाइम के लिए आ गए हैं हम लोग देवाशीष विलेज फूड हिस्ट्री किचन में। तो देखते हैं क्या बनाया है आज। और हालांकि जितनी बार भी आया हूँ यहीं आया हूँ और यहीं खाने के मज़े लिए हैं, हर बार स्वाद खाना मिलता है, बहुत ही टेस्टी खाना, और आई होप आज भी बहुत टेस्टी खाना ही होगा। तो टेबल वेबल तो लग गया भाई, बैठते हैं। घंटी वंटी बज रही है यहाँ पर, सड़क पे खड़े हैं हम लोग। एक्चुअली हम आए हैं अभी वो पैरट दीपांकर का नया जो बर्ड ब्रीडिंग फार्म, इन्होंने मतलब उसके लिए जो लैंड एक्वायर किया है उसको विज़िट करने के लिए। एक्चुअली इनका जो पहले वाला जो बर्ड फार्म है वहाँ पर पहले मैंने ही वहाँ पर विज़िट किया था, तो दीपांकर का भी ऐसा कहना था और मेरा भी ऐसा चाहना था कि ये जो नया बर्ड ब्रीडिंग फार्म सेटअप करने जा रहे हैं उसको मैं ही सबसे पहले विज़िट करूँ। तो मैंने जल्दी में टिकट वगैरह बुक किया और चले आया हूँ। इस बार मैं अपने साथ ड्रोन भी लेकर आया हूँ अपना, जो मैंने दुबई से परचेस किया था। तो अभी इससे हम लोग यहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, बढ़िया बढ़िया शानदार, और शेयर करते हैं आपके साथ फ़ोटोज़ सारे के सारे। तो देखकर बताइएगा कि फ़ार्म आपको कैसा लग रहा है इनका। अभी फ़ार्म बना नहीं है एक्चुअली, अभी सिर्फ और सिर्फ ये बाउंड्री का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, मेरा ख्याल है शायद दिख रही होगी पीछे, ये अभी बाउंड्री का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे करके करेंगे जैसे जैसे फ़ंड कलेक्ट होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, बट मुझे ऐसा उम्मीद है कि ज़बरदस्त शानदार बर्ड ब्रीडिंग फार्म बनने वाला है। और मतलब इसका ये फार्म बनाने के बाद मेरा एक्चुअली मेरा भी था एक मकसद कि मैं भी अपना फार्म बनाऊंगा, बट अब मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये बन गया ना। तो ये भी अपना ही है, जब जब टाइम मिलेगा तो यहीं चले आएंगे। और जगह देखकर ऐसा लग रहा है, जगह बहुत ज़्यादा है, जगह देखकर ऐसा लग रहा है बड़ा शानदार होने वाला है। यहीं से देखो देखो दिख रहा है, आप देख रहे हो पीछे, वो ये पूरा का पूरा ज़मीन जहाँ तक दिख रहा है पीछे पिलर्स वगैरह वो सारा का सारा ये पैरट दीपांकर बर्ड फार्म का है। और मैं देख रहा हूँ पौंड वगैरह भी यहाँ से नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी हैं। बाकी तो अंदर जाके पता चलेगा क्या है व्यू, तो चलते हैं और ड्रोन से शॉट्स वगैरह भी लेते हैं। चिड़ी डिंग 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 डिंग। तो अभी ड्रोन से हम लोग शॉट लेंगे और पैरट दीपांकर बर्ड फार्म जो है अभी बना नहीं है, बनने वाला है, उसका एक ओवर व्यू लेंगे और देखते हैं ऊपर से किस तरीके का नज़ारा है। मतलब नीचे से तो देखने में पूरा ग्रीन 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 ज़बरदस्त शानदार लग रहा है, मज़ा आ रहा है मेरे को देखकर। आते टाइम जो एरिया था वो भी बड़ा शानदार था और यहाँ के तो मज़ा ही आ गया मेरे को। धान मतलब जो चावल होता है वो भी उगा रखा है। हाँ यहाँ से उड़ाएंगे, यहाँ से उड़ाते हैं, ठीक है जी, यहाँ से उड़ाते हैं और पैरट दीपांकर को भी सिखाते हैं कि कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। तो पैरट दीपांकर ऐसे हाँ। करके चेन खोलते हैं, अच्छा चेन ऐसे ऐसे खोल लेंगे और ऐसे करके ड्रोन उठाते हैं, अच्छा जी जी, हाथ में लेते हैं और शायद दादा इसको ऐसे करके खोलते हैं ना। वाह वाह वाह, सीख गए यार आप, सीख गए, वाह इसको ऐसे अंदर रखते हैं ना। अरे वाह भाई वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद इसको ऐसे पकड़ते हैं। हाँ ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ो अच्छे से, नहीं नहीं ऐसे करके पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ने के बाद रुके हैं, हाँ ऐसे खोला जाता है, ये ऐसे खोला जाता है, बहुत बढ़िया, और ये ऐसे बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया मेरे भाई, कमाल कर दिया आपने। देखिए देखिए दादा हमको अंडर एस्टिमेट कर रहा है दादा, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कमाल कर दिया भाई। उसके बाद ये गिम्बल प्रोटेक्टर भी आपने खोल, ओई बिल्ली ओई शाबाश, ये बैटरी कहते हैं इसको, एक ऊपर का बोलते हैं, ठीक है ठीक है। ये रहा हम लोगों का बैटरी,
हम लोगों का नहीं, ड्रोन का, ड्रोन का हम ड्रोन का ठीक है, हम तो अपनी चार्ज करके लाए ऐसे डाला और पुश किया, जस्ट पुश किया, हो गया और रेडी टू फ्लाई है। हम लोग कहीं भी रख देते हैं ठीक है ना, हमारा ड्रोन रफ टफ है, रफ एंड टफ है कहीं भी। तो अभी देखते हैं ऊपर से क्या व्यू निकल कर आता है। ड्रोन तो रेडी कर लिया हम लोगों ने। टिंग टिंग, दादा अगर पानी में गिरा तो टिकेगा? पानी में गिरा पानी में गिरा तो फर्स्ट टाइम है ना एक्चुअली यहाँ पानी ही पानी हो रखा है, पूरे में पानी ही पानी है, तालाब ही तालाब है, ये तालाब। वेरी गुड, दो बार वेरी गुड, आई शाबाश, ट्रेनिंग पक्की ली है अपने ढंग से। डीजीआई फ्लाई को ओपन किया, अरे यार ओपन तो भैया हो गया ऑन, अरे व्यू भी आने लग गया। रेडी टेक ऑफ के लिए? रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट कर दिया दादा। अरे वाह ठीक है ना, अभी टेक ऑफ। आप तो कमाल आदमी हो। ओ भाई थोड़ा दूर कहाँ गया एकदम दारुण, दारुण आवाज फिरे आसबे पूरा ओटा एक करे फिरे आसबे या पूरा फुल। तो अभी फुटेज निकालते हैं पूरी की पूरी और देखते हैं फिर उसके बाद किस तरीके का व्यू निकल कर आता है। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट लिए हैं और काफ़ी मज़ेदार व्यू है। अब ड्रोन शॉट में कितने मज़ेदार आए वो तो आपको देखने के बाद पता ही चल जाएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा व्यू आपको यहाँ का। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है वास्तव में, बहुत गजब व्यू है। आप मेरे पीछे भी देख रहे हो शायद, ये देख रहे हो कितनी ग्रीनरी है, पौंड भी है और पौंड में मैं देख रहा हूँ कुछ जो झुके हुए पेड़ भी हैं, ठीक है ना, मतलब एक अलग ही लुक दे रहे हैं। आम के भी पेड़ हैं, चीकू के भी हैं, नारियल पेड़ भी हैं, ठीक है, और मैंने देखा यहाँ पर बाँस और वो जो क्या होता है अपना जैक फ्रूट, तमाम चीज़ें तमाम। आई होप कि बनने के बाद भी जब ये पैरट दीपंकर बर्ड फार्म बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, शानदार लगेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक करना होगा और दादा का चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब तो करना ही होगा और इतना अच्छा फुटेज इतना अच्छा जो फुटेज मतलब दिखाया इसके लिए तो एक मतलब शेयर भी बनता है दादा, क्या कहते हैं वो मर्जी है आपकी, बट अगर आपको अच्छा लग गया तो बस आप हिट द लाइक बटन, मुझे अच्छा लगे क्योंकि मैं अभी बिगिनर हूँ भाई, ठीक है ना, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा लाइक वाइक आ जाते हैं तो जी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अभी देखते हैं दीपंकर के साथ हम लोग और क्या क्या नया एक्टिविटी करते हैं। ओके बाय बाय और चलो बाय।